चलिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फिर से घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली में एक हफ्ते के बाद ये योजना लागू हो रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से ये बयान जारी किया गया है। कोर्ट में केस का हवाला देकर एलजी ने फाइल लौटा दी है। एलजी ने केंद्र की मंजूरी न मिलने का हवाला सीएम को दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र से एक बार फिर से सीधी सीधी टक्कर ली है। घर घर राशन योजना पर रोक लगाना आपको बता दें केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और वे पूरी तरह से केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के युवाओं को कोई लाभ मिले। अब इस पर एक बार फिर से राग छिड़ गई है। जिस योजना के तहत लोगों को घर पर ही राशन देने की सुविधा दी गई थी उसके लिए 3 साल से केजरीवाल ने तैयार किया था। आपको बता दें पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना था, लेकिन जब केंद्र ने इस पर आपत्ति जताई तो इस योजना का नाम बदलकर घर घर राशन योजना किया गया था। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली के अस्पताल में भाषा को लेकर विवादित आदेश आया है। दिल्ली के अस्पताल में मलयालम बोलने पर रोक लग गई है। एक सरकारी अस्पताल ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी मलयालम नहीं बोलेगा। ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगा दी गई। नर्सिंग स्टाफ केवल हिंदी अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं और ये सरकारी फरमान आया है। बकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक सर्कुलेशन भी जारी किया गया है। सबको अवगत कराया गया है कि कोई भी नर्सिंग स्टाफ अगर ड्यूटी में होता है तो वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकता है। फिलहाल मलयालम बोलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी नर्सों के समर्थन में आ गए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया है, मलयालम भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी की कोई दूसरी भाषा। भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में मलयालम बोलने पर रोक लगाई गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि हिंदी जितनी मर्यादित है, हिंदी की जितनी अहमियत है उतनी ही